तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ओजोन क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने ग्रुप 15 कंप्लीट कर लिया था और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट्स। होप कि आप सारे क्वेश्चन पुशअप सीरीज के बना लिए होंगे और फिर अब तैयार होंगे ग्रुप 16 एलिमेंट्स पढ़ने के लिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो खुद का ऐप है मार्क्स अप, उस पर एक प्यारा सा क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है नीट 2021 के स्टूडेंट्स के लिए, जिसका नाम है सिग्मा स्टार पीसीबी क्रैश कोर्स। अच्छा, इसमें हमारे अजय यशपाल सर जो कि बंसल क्लासेस के एचओडी रह चुके हैं, वो आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। हमारे नितेश देवनानी सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे जो कि आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुके हैं। हमारे रोहित अग्रवाल सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे और हमारे प्यारे से विपिन कुमार शर्मा सर आपको क्या पढ़ाएंगे, बायोलॉजी पढ़ाएंगे। इस क्रैश कोर्स का प्राइस बहुत अफोर्डेबल रखा गया है, ओनली ₹2497, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2500 ओनली। इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, आपको लाइव लेक्चर्स भी मिलेंगे, आपको वीकली डाउट सेशंस भी मिलेगा और साथ ही साथ हमारा जो टेस्ट सीरीज है आपको इसमें फ्री मिलेगा अगर आप ये क्रैश कोर्स ले लेते हो तो। हमारा टेस्ट सीरीज है वो ₹999 का है, लेकिन आप पूरा अगर कोर्स परचेस करते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको ₹2500 पे करना है। तो आपको उसमें वीकली डाउट सेशन भी मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेगा, लाइव लेक्चर भी मिलेगा, आपको टेस्ट सीरीज में फ्री भी मिलेगा और आपको इंट्रैक्शन करने के अलग से एक मार्क्सअप कम्युनिटी भी मिलेगी जहां पे आप अपने डाउट्स को डिस्कस कर सकते हो। आपको यहाँ डीपीपीज भी मिलेंगी, उसके वीडियो सोल्यूशन भी मिलेंगे और मजे की बात क्या, ये जो टेस्ट सीरीज है ना उसका भी आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। ये आपको ये बैच जो हमारा है वो ऑलरेडी 16th of March से स्टार्ट हो चुका है, तो अगर अभी भी ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जो भी लेक्चर्स हो चुके हैं आपको उसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वीडियोस मिल जाएंगी। जरा सर ये बता दो कि हम इसको ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन कैसे ज्वाइन करें। अपने मोबाइल से गूगल प्ले स्टोर खोलना, गूगल प्ले स्टोर खोलते ही मार्क्सअप लर्निंग ऐप सर्च करना, ये ऐप आपका आ जाएगा, इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करते हैं एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन मांगेगा, उसको रजिस्ट्रेशन कर लेना और फिर जैसे ऐप खोलोगे तो फ्रंट पेज पे ही आपको ₹2497 का हमारा ये मिल जाएगा क्रैश कोर्स। तो इस पर आप क्लिक करो और आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और मजे की बात क्या है कि ये लैपटॉप पे भी आप एक्सेस कर सकते हो, लैपटॉप खोलना और लैपटॉप पे गूगल क्रोम से ही आप marksup.com सर्च करना। marksup.com सर्च करोगे और marksup.com खोलोगे तो आपको सारे कोर्सेज वहां पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। और मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर इसी चैनल पे मैंने ओजोन क्लासेस पे ही फिजिक्स का क्रैश कोर्स करवाया था, जिसमें क्लास 12th और 11th की हर एक चैप्टर मैंने बहुत अच्छे तरीके से करवाई थी और नीट 2021 के लिए भी आप इन वीडियोस को देख सकते हो, बहुत ही यूजफुल होने वाला है। साथ ही साथ लास्ट ईयर में मैंने इसी चैनल पे फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हर एक वीडियो, मतलब हर एक वन शॉट वीडियो अपलोड किया था जो कि बहुत बेहतरीन था, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आए थे। और अब अगेन इसको नीट 2021 के लिए भी देख सकते हो, तो जो बच्चे नहीं देखे हैं वो देख लो, बहुत ही यूजफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट्स। याद रखना ग्रुप 16 एलिमेंट्स में आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाऊंगा बस। अगर आप जेई मेंस के स्टूडेंट हो, जेई एडवांस के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। जो जो मैं अंडरलाइन करूंगा, जो जो मैं हाईलाइट करूंगा, जो जो मैं लिखूंगा और जो जो मैं बोलूंगा, बस उतना नोट्स में डाल लेना। यकीन मानो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। एक दो बच्चे, सिलेक्टेड बच्चे मैंने देखा कि कमेंट किया कि सर आप बहुत सारी थ्योरी जो है वो एनसीईआरटी से भी हटा देते हो। अरे बहुत सारी नहीं हटाता हूँ भाई, कुछ कुछ थ्योरी एनसीईआरटी से हटा देता हूँ, वो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए हटाता हूँ, विश्वास करो। अरे बच्चे हो, मुझे पता है कि आप मुझ पर विश्वास करते हो। अरे बोलोगे सर क्या आप, मतलब विश्वास की क्या बात करते हो सर, हम आप पे विश्वास करते हैं, नोट्स में हम डाल लेंगे सब कुछ और एकदम झमाझम कबाड़ के आ जाएंगे, फाड़ के आ जाएंगे, ठीक है। सर आप स्टार्ट कीजिए ग्रुप 16 एलिमेंट्स। बिल्कुल स्टार्ट करता हूँ ग्रुप 16 एलिमेंट्स और हमको ग्रुप 16 एलिमेंट्स में 5 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम एंड पोलोनियम। और मजे की बात क्या है कि ग्रुप 16 एलिमेंट्स में ऑक्सीजन और सल्फर के बारे में आपको ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि सेलेनियम, टेलेरियम और पोलोनियम अर्थ क्लास में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। और मजे की बात क्या है कि ग्रुप 16 एलिमेंट्स को एक स्पेशल नाम भी दिया गया, क्या, कैल्कोजेंस। क्या दिया गया है नाम, कैल्कोजेंस। अगर एलिमेंट्स की बात करूं मैं, जितना भी अर्थ पे पाए जाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है। और ऑक्सीजन की बात तो हो गई, अगर मैं सल्फर की बात करूं तो वो अर्थ क्रस्ट में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, ओनली 0.03 to 0.1%।
और अगर ये अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है तो मेनली सल्फेट्स फॉर्म में एंड सल्फाइड फॉर्म में पाया जाता है। देखो सब कुछ बोल रहा हूँ और जो जो हाईलाइट कर रहा हूँ बस उतना ही नोट्स में डालना भाई, और जो जो लिख रहा हूँ मजा आ जाएगा एकदम, कबाड़ के आओगे देख लेना, एकदम पेपर जला दोगे। ठीक चलो, तो अगर सल्फेट्स के फॉर्म में पाया जाता है तो सर कौन कौन से कंपाउंड्स के फॉर्म में पाया जाता है? जिप्सम, दैट इज CSO4.2H2O। ठीक है, देखो यहाँ पे सल्फर है S। इप्सम सॉल्ट, इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो इसका फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, MgSO4.7H2O। बाराइट किसको बोलते हैं, ये भी बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, BaSO4। और अगर सल्फाइड फॉर्म की बात करें तो गैलिना PbS, जिंक ब्लेंडी ZnS, कॉपर पायरेट CuFeS2। देखो सब में SSS सल्फर है और ऑलरेडी आप इसका फॉर्मूला जानते हो क्योंकि मैं इसको आप कहाँ पढ़ा चुका हूँ, इसको मैं ऑलरेडी मेटलर्जी में पढ़ा चुका हूँ। और सल्फर अगर ट्रेसेस में पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है? वोल्केनोज में पाया जाता है। और कौन से कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका फॉर्मूला क्या होगा? H2S। ये पूछा जाता है कि ट्रेसेस ऑफ सल्फर फाउंड इन वोल्केनोज इज इन द फॉर्म ऑफ, तो ये क्या होगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बाराइट का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप 16 एलिमेंट्स का नाम कैलकोजंस भी होता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, जो जो बोलूंगा जो जो लिखूंगा बस नोट्स में डाल लेना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की हम लोग बात करें तो ऑक्सीजन की पहले बात करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p4 होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये NH2NP4 के फॉर्म में, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जब उसका आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो NH2NP4 होता है। और मजे की बात क्या है कि NH2NP4 रहता है तो मतलब इसकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे? 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसको ग्रुप 16 में रखा गया है। अब मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता हूँ। अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो आपको बस इसमें इतना याद रखना है कि जो सेलेनियम एंड टेलीरियम होता है ना भाई, वो मेटलॉइड्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन एंड सल्फर नॉन मेटल्स होते हैं और पोलियम मेटल होता है। ये आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है, ये आपसे नहीं पूछेगा। हालांकि मैं अंडरलाइन कर दिया हूं तो नोट्स में डाल लेना, क्योंकि नॉन मेटल्स और मेटल्स बहुत हैं, तो आप कितना याद रखोगे। आपसे हमेशा क्या पूछा जाता है? मेटलॉइड्स के बारे में पूछा जाता है। तो सेलेनियम एंड टेलेरियम है वो क्या है? मेटलॉइड्स है। और इसमें जो पोलोनियम होता है ना भाई, वो रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। अब ग्रुप 15 एलिमेंट्स की बात करें तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स में नाइट्रोजन को छोड़कर जितने भी होते थे एलिमेंट्स वो एलोट्रॉपी शो करते थे, पर यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं। यहाँ पर ग्रुप 16 एलिमेंट्स के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी एलोट्रॉपी को शो करते हैं, सभी एलोट्रॉपी को शो करते हैं। और जो हमारा ऑक्सीजन है वो मेनली O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और जो हमारा सल्फर है वो मेनली एसिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो आपको पता है कि जो मॉलिकुलर मास होता है वो डिसाइड करता है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कितनी होगी ज्यादातर। ठीक है, तो यहाँ पे एसेट मतलब कि तुम्हारा सल्फर का जो मॉलिकुलर मास है वो ज्यादा है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, इसलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एसेट का बहुत ही ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। ये बच्चों चलो बढ़ते हैं आगे, जितना बोल रहा हूँ बस इतना ही लिखना है आपको। ठीक है, देखो इस पूरे स्लाइड में मैंने कुछ भी अंडरलाइन किया है तो ये किया है, हाईलाइट ये सब किया है, तो बस इतना ही नोट्स में डालना है, ये सब नहीं लिखना है भाई। ठीक है, जो जो बोला हूँ मुझसे, क्योंकि जो जो बोला हूँ ना मुझसे वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मेरे लेक्चर से एक को भाई लाइनवा एस्केप मत करना, नहीं तो भाई दिक्कत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा भाई। ठीक है, अरे बोलो झमाझम, हम तो सर आपके स्टूडेंट हैं, हम कुछ नहीं भूलते हैं सर, आप जो जो बोले हम फॉलो कर रहे हैं। और इस बार नीट के पेपर को जला के आएंगे, हम कबाड़ के आएंगे, फाड़ के आएंगे, चीर के आएंगे। ठीक है सर, थोड़ा सा पानी पी लो। बिल्कुल, चलो जब से थोड़ी तबीयत ठीक हुई है पानी की जरूरत बहुत पड़ रही है। स्टे हाइड्रेटेड, ऐसा टाइम भी चल रहा है, अपने आप को सेफ रखो थोड़ा, क्योंकि सेफ रखोगे तभी तो पढ़ाई होगी। तो सबसे जो प्रायोरिटी पे अभी होनी चाहिए चीज वो हेल्थ होनी चाहिए, इनफैक्ट हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ नहीं है तो भाई क्या ही करोगे, हेल्थ नहीं है मतलब बीमार पड़े हुए हैं और किताबुआ खोल के पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हेल्थ अच्छा होना चाहिए। देखो, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का बाकी एलिमेंट से क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता है। सबसे पहली बात यह कि ऑक्सीजन बाकी ग्रुप 16 एलिमेंट से सबसे ज्यादा छोटा होता है। तो छोटे होने की वजह से क्या होता है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ये ऑलरेडी मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ पी ब्लॉक और सॉरी पीरियोडिक टेबल में, इसलिए मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ ज्यादा। ठीक है, अच्छा, अब ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो अगर ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनिगेटिव है और वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाए तो सर आपने बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इसमें,
इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसलिए H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, नोट कर लेना। लेकिन H2S में नहीं होता है, क्योंकि सल्फर उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो हाइड्रोजन से जुड़ जाता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। कब हो पाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? सर आपने केमिकल बॉन्डिंग में बताया था कि एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किससे जुड़ा हो, हाइड्रोजन से जुड़ा, ठीक है। अच्छा, अब मजे की बात क्या कि मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया, 1s2, 2s2, 2p4, ये बताया मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ देखो डी ऑर्बिटस नहीं है, तो अगर डी ऑर्बिटस नहीं है तो इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो चुकी हो सकती है, बार बार बता चुका हूँ, पी ब्लॉक और एस ब्लॉक में 4 हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एस के एक ऑर्बिटल है और पी के 3 ऑर्बिटल है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं बॉन्डिंग के लिए उतना ही कोवेलेंसी होता है। तो डी ऑर्बिटस ऑक्सीजन में नहीं होता है, ठीक है, और इसकी कोवेलेंसी मैक्सिमम 4 ही हो सकती है। बाकी सारे एलिमेंट्स के पास डी ऑर्बिटस होते हैं और डी ऑर्बिटस होने की वजह से अपनी वो कोवेलेंसी 4 से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। जितना बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, यकीन मानो नेट पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही इंपॉर्टेंट है। बोलोगे सर छोड़ दे रहे हो कुछ कुछ, अरे भाई वो नहीं इंपॉर्टेंट है, वहां से नहीं क्वेश्चन आएगा। आप क्वेश्चन हुआ भाई बना के आओ ना, पहले नीट से बाहर निकलोगे, बोलोगे हम झमाझम कर दोगे, हम चिल्लाने लगोगे, बोलोगे भाई एकदम मजा आ गया, क्वेश्चन तो सटाक से फटाक से यहीं से आएगा, देख लेना, क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। चलो बढ़ते हैं आगे और रिएक्टिविटी विथ नाइट्रोजन के बारे में पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन। देखो ग्रुप 16 एलिमेंट्स के जितने भी तुम्हारे एलिमेंट्स हैं वो सभी हाइड्राइड बनाते हैं H2E फॉर्म में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दो तो H2O हो जाएगा, H2S हो जाएगा, H2SE हो जाएगा, H2TE हो जाएगा, H2PO हो जाएगा, ये तुम्हारे हाइड्राइड्स हो। तो अगर इनकी मैं एसिडिक कैरेक्टर की बात करूं तो इसका ऑर्डर क्या होगा इन हाइड्राइड्स का? मजे की बात क्या है कि तुम्हारा ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर ऐसे है, देखो मतलब H2O का, H2S का स्ट्रक्चर ऐसे है। चलो तो कोई भी ज्यादा एसिडिक होगा इसका मतलब क्या है कि उतना ही आसान तरीके से अपना H प्लस आयन रिलीज कर सकता है। ये सर आप बता चुके हैं आयनिक इक्विलिब्रियम, नहीं जानते हो तो जान जाओ, ठीक है। तो कितना ज्यादा कौन कितने आसान तरीके से इस प्लस रिलीज कर पाएगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो आपको पता है कि इसमें से ऑक्सीजन जो है बाकी सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम और पोलोनियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपने हाइड्रोजन एटम को तेजी से पकड़ के रखेगा, मतलब कि इसके H प्लस आयन्स को निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। इसका मतलब क्या कि एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा H2O का होगा, H2O का हो सॉरी H2PO का होगा, क्योंकि पोलोनियम जो है वो सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो हाइड्रोजन को कम तेजी से पकड़ के रख पाएगा, तो आप उसके एच प्लस को जल्दी आसान से निकाल सकते हो। तो H2PO, H2TE, H2SE, H2S, ये तुम्हारा हुआ एसिडिक ऑर्डर। इसीलिए लिखा है यहाँ पे कि एसिडिक कैरियर इंक्रीजेस फ्रॉम H2O टू HE, इस साइड में तुम्हारा क्या हो रहा है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। चलो अब चलो हम लोग बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी की, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब होता है कि इनके बॉन्ड्स को आप कितना आसानी तरीके से तोड़ सकते हो। जितना मुश्किल होगा इनके बॉन्ड्स को तोड़ने में ना, उतनी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उतनी थर्मल स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिव सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, तो सबसे ज्यादा तेजी से ये पकड़ के रख पाएगा, तो सबसे ज्यादा मुश्किल इस बॉन्ड को तोड़ना होगा। इसका मतलब कि क्या, H2O सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हुई, इसीलिए जो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा इसके ऑपोजिट हो जाएगा, दैट इज H2O, H2S, H2SE, H2TE और H2PO। तो ये तुम्हारा किसका ऑर्डर है, ये तुम्हारा ऑर्डर है थर्मल स्टेबिलिटी का, और ये तुम्हारा ऑर्डर किसका है, ये है तुम्हारा एसिडिक ऑर्डर, ठीक है, ये तुम्हारा एसिडिक ऑर्डर है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स आल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम H2O टू H2PO। और मजे की बात क्या कि जो भी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है उसका अपोजिट रिड्यूसिंग कैरेक्टर का क्या होता है, ऑर्डर होता है। इसीलिए जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का ऑर्डर होगा कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर कैसे डिक्रीज इंक्रीज कर रहा है, तो वो होगा दिस कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम H2S2 H2TE H2S2 H2TE, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा देखो H2S H2S ये तुम्हारा थर्मल स्टेबिलिटी है, ठीक है। तो तुम्हारा रिड्यूसिंग कैरेक्टर कैसा होगा, H2S H2SE H2TE और यहाँ पे H2TE और यहाँ पे होगा तुम्हारा H2PO H2PO यहाँ H2PO होगा। और मजे की बात क्या है कि जो H2O होता है ना भाई, वो रिड्यूसिंग कैरेक्टर नहीं दिखाता है,
वो रिड्यूसिंग कैरेक्टर नहीं दिखाता। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि बताओ ग्रुप 16 एलिमेंट्स का कौन सा हाइड्राइड है जो ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर नहीं शो करता है, तो वो कौन सा है, वो H2O है, H2O है। ठीक है, तो आपको थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर मिल गया, उसका ऑपोजिट क्या होगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर होगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम H2S2H2S2S2TE। समझ में आया बच्चों? चलो बढ़ते हैं आगे, होप कि आप फटाक को सटाक से नोट कर लोगे और कॉपी पेन लेके आराम से बैठ के पढ़ाई कर रहे होगे। चलो बढ़ते हैं आगे और अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टिविटी विथ नाइट्रोजन के बारे में। बस जितना जरूरी है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही बताऊंगा। देखो बहुत बड़ा स्लाइड है लेकिन उसमें बस कुछ याद रखना है, कुछ याद रखना है बस नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर मैं बात करूं रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन की, तो ग्रुप 16 एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट्स हैं या तो वो EO2 फॉर्म में बनाएंगे ऑक्साइड्स, या फिर EO3 फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो EO2 फॉर्म में वो क्या बना सकता है, O3 बना सकता है। क्या बना सकता है, O3 बना सकता है, मतलब कि ओजोन। ठीक है, और सल्फर क्या बना सकता है, SO2 बना सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड। और मजे की बात क्या है कि जो O3 होता है और SO2 होता है वो दोनों गैसेस होते हैं। ये तो आपको पता है ओजोन गैस है और सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है। और जो सेलेनियम डाइऑक्साइड होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है। इसमें मैं बताऊँ क्या एक्सप्लेन करूँ, ये तो आपको नोट्स में डालना ही होगा। और मजे की बात क्या कि जो इनकी डाइऑक्साइड्स की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है ना, वो SO2 से TeO2 पे क्या करती है, डिक्रीज करती है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ डाइऑक्साइड डिक्रीजेस फ्रॉम SO2 टू TeO2, मतलब रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर ये होता है। SO2 हो गया तुम्हारा, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या हो गया, SO2 SeO2। फिर तुम्हारा क्या हो गया, TeO2। ये तुम्हारा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का ऑर्डर होता है डाइऑक्साइड्स के बीच में, इसको आप नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है ये। अब मजे की बात क्या है, कि ये तुम्हारा रिड्यूसिंग कैरेक्टर का जो तुम्हारा ऑर्डर होता है, इसमें जो TeO2 होता है वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है। क्या शो करता है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, इसे आपको नोट करना है भाई, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है बस उतना ही बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें जो TeO2 है वो क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। बाकी ये पूरे स्लाइड में कुछ नोट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन के बारे में। अब ग्रुप 16 एलिमेंट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तरह तरह के हैलाइड्स बनाते हैं, EX6 के फॉर्म में, EX4 के फॉर्म में, EX2 के फॉर्म में, इसमें से जो EX6 है, मतलब कि जो हेक्सा हैलाइड्स है, हेक्सा हैलाइड्स मतलब क्या, जिसमें 6 हैलाइड के एटम्स हो, हेक्सा हैलाइड्स हैं, उसमें से हेक्सा हैलाइड्स में भी जो हेक्सा फ्लोराइड्स होते हैं, मतलब EF6, E क्या है, कोई भी ग्रुप 16 एलिमेंट है, EF6 जो होते हैं वही तुम्हारे स्टेबल हैलाइड्स होते हैं, मतलब बाकी जो भी तुम्हारे हैलाइड्स हैं EX4 और EX2 वो अनस्टेबल होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रुप 16 एलिमेंट्स में हेक्सा हैलाइड्स, EX4 और EX2 में कौन से स्टेबल्स होते हैं, तो हेक्सा हैलाइड्स स्टेबल होते हैं, और हेक्सा हैलाइड्स में भी कौन स्टेबल होते हैं, हेक्सा फ्लोराइड्स स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, हेक्सा फ्लोराइड्स स्टेबल होते हैं। और जितने भी हेक्सा फ्लोराइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, गैसियस इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं, गैसियस इन नेचर होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं SF6 का, तो SF6 का स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। जितने भी हेक्सा हैलाइड्स होते हैं, जितने भी हेक्सा फ्लोराइड्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक स्ट्रक्चर देखना है SF6 का, इसका स्ट्रक्चर मैं निकाल के आपको बताता हूँ। सल्फर का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6। क्लोरीन का कितना होता है, 7। तो 6+7 × 6/8, मतलब तुम्हारा कितना हुआ, 7, 6 = 42, 48/8। बाप रे बाप सर, ये क्या कर दिए। अगर बच्चों आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो और हर एक लेक्चर देखे होंगे, तो केमिकल बॉन्डिंग में मैं ये मेथड सिखा चुका हूँ हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। तो देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, इसके पास कितना आएगा, 6 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, मतलब कि यहाँ पे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इसका है। और जब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और कोई भी लोन पेयर नहीं होता, तो कैसा स्ट्रक्चर होता है सर, आपने तो बताया था सर कि केमिकल बॉन्डिंग में कि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो SF6 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। देखो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इसका ऐसा होता है, SF F F F F
और एफ, ये जो एंगल है वो सब 90 डिग्री है। क्या है? सब 90 डिग्री एंगल। ठीक है, समझ में आया बच्चों? और SF6 ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो यहां से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो, जितना इंपॉर्टेंट था नेट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ से आपको कवर करवा दिया बच्चों, सब कुछ मैंने कवर करवा दिया। चलो बढ़ते हैं आगे। चलो अब मैं अगर EX4 टाइप की बात करूं, दैट इज टेट्रा फ्लोराइड्स की बात करूं, तो उसमें से SF4 जो होता है वो गैस होता है, SeF4 जो होता है लिक्विड होता है, और TF4 जो होता है सॉलिड होता है। अब बताओ इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूं आपको भाई, क्या एक्सप्लेन करूं? यस, गैस होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, ये इसमें क्या एक्सप्लेन करना है, तो आपको नोट्स में डालना ही पड़ेगा अगर इंपॉर्टेंट है तो। ठीक है, अगर मैं SF4 के स्ट्रक्चर की बात करूं, देखो SF4 के स्ट्रक्चर की बात करूं, दोबारा केमिकल बॉन्डिंग वाला मेथड लगाऊंगा, 6 सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 7 × 4 मतलब 28/8, मतलब कितना हो गया 34/8 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। ठीक है, और 4 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर जब होगा तो सर आपने तो बताया था सर प्यार और मोहब्बत से कि SF4 का स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा, ऐसे, और एक लोन पेयर यहां पर होगा। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग सी सॉ ज्योमेट्री भी बोलते हैं, मतलब सी सॉ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। सो SF4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सी सॉ स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? सी सॉ। और अगर 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा सल्फर का, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल भी बोलते हैं। तो SF4 का स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाईपिरामिडल भी होता है। ठीक है, उसको हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं, सीसा ज्योमेट्री, सीसा ज्योमेट्री। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया बच्चों? अब मजे की बात है, अगर मैं EX2 की बात करूं, मतलब डाइक्लोराइड्स एंड डाइब्रोमाइड्स की बात करूं, तो ऑक्सीजन को छोड़ के ग्रुप 16 एलिमेंट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो डाइक्लोराइड्स एंड डाइब्रोमाइड्स बनाते हैं। ठीक है, मतलब ये आपसे बस यहां से ये पूछा जाएगा कि बताओ कौन सा एलिमेंट है ग्रुप 16 का जो डाइक्लोराइड और डाइब्रोमाइड, मतलब कि ECl2 एंड EBr2। देखो ये सब लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आपको नोट्स में डालना है, जो जो बोलता हूं, जो जो लिखता हूं, सब कुछ नोट्स में डालना है, जो जो हाईलाइट करता हूं, जो जो अंडरलाइन करता हूं। तो डाइक्लोराइड्स और डाइब्रोमाइड्स कौन नहीं बनाता है, तो ऑक्सीजन नहीं बनाता है। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं बनाता है। अगर मैं मोनोहैलाइड्स की बात करूं, तो इनके जो मोनोहैलाइड्स होते हैं वो डाइमरिक इन नेचर होते हैं, मतलब वो अनस्टेबल होते हैं और डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सर डाइमर का होता है सर, अरे भाई एस ब्लॉक पी ब्लॉक देखे होगे तो उसमें मैं डाइमराइजेशन बताया हूं क्या होता है। ठीक है, डाइमराइजेशन मैं बताया हूं क्या होता है। ठीक है, अच्छा, और इसीलिए होता क्या है कि तुम्हारा, अगर मैं मोनोहैलाइड्स की बात करूं, जैसे मान लो HCl, तो डाइमराइज करके H2Cl2 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही HCl फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, मोनोहैलाइड में नहीं करता, क्या करता है, Se2Cl2 फॉर्म में करता है। इसका मतलब क्या कि ग्रुप 16 एलिमेंट के जितने भी मोनोहैलाइड्स हैं वो क्या होते हैं, डाइमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बस इतना याद कर लेना। और जो भी डाइमरिक फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाता है। और कैसे होता है डिप्रोपोर्शनल रिएक्शन, Se2Cl2 कन्वर्ट होता है HCl4 और Se। सर क्या इसको याद रखना है रिएक्शन को, नहीं याद रखना, आपको क्या याद रखना है, मोनोहैलाइड्स डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ग्रुप 16 एलिमेंट्स का, और वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस दिखाता है। या बच्चों बढ़ते हैं आगे, होप कि आपको समझ में आया होगा, एकदम नोट्स प्यार और मोहब्बत से बनाते रहो। अब हम लोग पढ़ेंगे डाई ऑक्सीजन के बारे में। ठीक है, और जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वहीं से यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। ठीक, चलो थोड़ा सा पानी पी लूं फिर से, जब से ठीक हुआ हूं प्यास बहुत लगने लगी। चलो डाई ऑक्सीजन की बात करते हैं, और एक गाना सुना दो भाई, कौन सा गाना सुनाऊं, दो ही तीन तो गाना याद होता है मुझे बस, और कोई याद ही नहीं है। चलो कुछ नहीं याद आ रहा है तो बोल देते हैं झमाझम। ठीक है, ये तो यूनिक है भाई, झमाझम तो बोलना ही है। चलो अगर मैं डाइऑक्सीजन की बात करूं, तो अगर मैं KCLO3 को हीट करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2 कैटलिस्ट, हमको KCl एंड O2 मिलता है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइऑक्सीजन, की KCLO3 को जब हम लोग हीट करेंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो KCl एंड O2 बनेगा। ठीक है,
और मजे की बात क्या है कि H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अगर इसको मैं तोड़ दूं हीट देके, तब भी हमको यहाँ से ऑक्सीजन मिलता है, तब भी हमको ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। और इसमें हम लोग यूज करते हैं कैटलिस्ट, ठीक है, इसमें भी हम लोग यूज करते हैं कैटलिस्ट। और अगर लार्ज स्केल पे हमको क्या बनाना है, ऑक्सीजन बनाना है, डाई ऑक्सीजन बनाना है, तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस से बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैथोड एनोड का अरेंजमेंट लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं वाटर में और फटाक से और सटाक से इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करवा देते हैं और H2O कन्वर्ट हो जाता है H2+O2 में, तो वहां से हमको ऑक्सीजन मिल जाता है। तो समझ गया बच्चों, देखो इतना कुछ बोल दिया लेकिन लिखा नहीं, तो बोल लोगे सर हम तो आपके प्यारे से प्यार और मोहब्बत वाले स्टूडेंट हैं, बहुत रेगुलर स्टूडेंट है, हमको पता है सर हमको क्या नोट करना है। कितने बार समझाओगे, अरे बच्चों इसलिए समझाता हूँ क्योंकि आप भटको नहीं, क्योंकि इतने बार बोलने के बाद भी आप नहीं बनाते हो, पढ़ाई बोरिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलो हम आगे बढ़ते हैं। लार्ज स्केल पर बनाना है तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे एक्सप्लेन मैंने कर दिया बोल के। अगर मैं इंडस्ट्रियली बात करूं तो इंडस्ट्रियली क्या होता है कि जो डाई ऑक्सीजन होता है, ठीक है, उसमें पहले एयर लेते हैं, एयर में से हम लोग क्या हटाते हैं, एयर में से हम लोग को CO2 हटा देते हैं और क्या हटा देते हैं, वाटर वेपर हटा देते हैं, सबसे पहले इसको हटाते हैं, ठीक है ना, एयर में से। एयर में ऑक्सीजन होता है और बाकी जितने भी गैसेस बचे उसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हटा देते हैं, तो हमको लास्ट में क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा ऑक्सीजन, हमको क्या मिल जाएगा ऑक्सीजन, और हमको क्या चाहिए था ऑक्सीजन। तो इंडस्ट्रियली कैसे ये प्रिपेयर किया जाता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, समझ में आया। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर करेंगे हम लोग, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर हम लोग करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे और इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं तो ऑक्सीजन भाई अगर एयर में पाया जाता, हवा में पाया जाता, तो क्या आपको ऑक्सीजन दिखता है, नहीं दिखता है। इसलिए ऑक्सीजन जो होता है वो कलरलेस होता है और ऑर्डरलेस होता है, उसका कोई भी स्वाद नहीं होता है, ठीक है। और मजे की बात क्या है, और मजे की बात क्या है कि इसके तीन आइसोटोप्स होते हैं, O16, O17 एंड O18, याद कर लेना। और जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होता है दैट इज O2, वो पारा मैग्नेटिक होता है। सर ये कैसे पता चलेगा, अरे सर हम तो आपके स्टूडेंट है, केमिकल बॉन्डिंग में आपने मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने सिखाया था, उसमें सर O2 का भी लिख के आपने बताया था और बताया था कि ये पैरा मैग्नेटिक क्यों होता है। तो आप फिर से लिखो दोबारा और देखो कि आपको अभी तक याद है कि नहीं मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और देखो कि ये पैरा मैग्नेटिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मजे की बात क्या है कि जो डाई ऑक्सीजन है वो नियरली सभी मेटल्स के साथ रिएक्ट कर जाता है, लेकिन कुछ नॉन मेटल्स के साथ और मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल AuNPT, पीटी मतलब तुम्हारा प्लेटिनम, AU मतलब तुम्हारा गोल्ड, ठीक है, मतलब कि AU और PT के साथ डाई ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करता है, ये नोट कर लेना। अब मजे की बात क्या है, मजे की बात क्या है कि इट्स कॉम्बिनेशन विद अदर एलिमेंट्स इज ऑफन स्ट्रॉन्गली एक्सोथर्मिक, इसको नोट करने की कोई जरूरत नहीं, अंडरलाइन फालतू में मैंने कर, ठीक है। अच्छा बॉन्ड एसेशन इज हाई, हाँ, और ये जो तुम्हारा ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, मतलब तुम्हारा जो O2 होता है उसका स्ट्रक्चर होता है O(O), ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो इसके बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ही ज्यादा हाई होती है, इसकी वैल्यू याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करूं जो आपको याद रखने की जरूरत है, वो ये है कि SO2 को जब O2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो SO3 बनता है, तो कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो V2O5 यूज करते हैं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज करते हैं। और अगर HCl को O2 के साथ रिएक्ट करवाओ तो हमको क्या मिलेगा, Cl2 मिल जाएगा प्लस H2O मिल जाएगा। दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस रिएक्शन में हमको किस चीज की जरूरत है, हमको CuCl2 कैटलिस्ट की जरूरत है, हमको CuCl2 कैटलिस्ट की जरूरत है, ठीक है। तो ये दोनों कैटलिस्ट आपको याद रखना है, पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। अब हम लोग देखते हैं ऑक्साइड्स के बारे में, ग्रुप 16 एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स के बारे में। तो पूरा स्लाइड इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट है मैं बता दूं। आप हेडिंग डालना एसिडिक ऑक्साइड्स के, बेसिक ऑक्साइड्स के, एंड कौन से ऑक्साइड्स के डालना, आप डालना एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के, और उसमें एग्जाम्पल लिखना है। सबसे पहले मैं देखता हूँ एसिडिक ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड किसको बोलते हैं, ऐसे ऑक्साइड जो वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाए, ठीक है, ऐसे ऑक्साइड जो वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाए उसको क्या बोलते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। और इसके एग्जांपल्स आप नोट कर लो, SO2, Cl2O7, CO2, N2O5, डायरेक्ट आपको एग्जांपल से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं ठीक है एसिडिक कैरेक्टर की अभी भी बात करूं कि और कौन कौन से एसिडिक एसिड होते हैं, तो फिर से मैं आपको बता दूं, Mn2O7, Cr2O3, B2O5, Mn2O7, Cr3, B2O5, ये तुम्हारे तुम्हारे क्या है, ये तुम्हारे हैं
एसिडिक ऑक्साइड्स ये भी हैं। और मैं बेसिक ऑक्साइड्स की बात करूं तो बेसिक ऑक्साइड्स कैसे ऑक्साइड्स होते हैं, ऐसे ऑक्साइड्स जो बेस के साथ ये करके सॉरी वाटर के साथ ये करके बेस बना दे वो क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। और उससे एग्जाम्पल कौन कौन से, Na2CaO BaO, मतलब ये दोनों जो तुम्हारा एग्जाम्पल था वो किसका था, एसिडिक ऑक्साइड्स का। ये किसका एग्जाम्पल है, बेसिक ऑक्साइड्स का, तो नोट्स में डाल लेना। और Al2O3 होता है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का मतलब क्या होता है, जो कि ऐसा ऑक्साइड जो कि एसिड और बेस की तरह भी बिहेव करे, ठीक है, समझ में आया। तो इस पूरे स्लाइड में बस इतना ही इंपॉर्टेंट था। और न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी आपको याद रखने की जरूरत है, न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी याद रखने की जरूरत है, मतलब ऐसे ऑक्साइड जो कि ना एसिडिक कैरेक्टर दिखाए ना बेसिक कैरेक्टर दिखाए। तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स में वो कौन कौन से ऑक्साइड्स याद रखने हैं, NO and N2O, ये तो आपको पता ही है, मैं बता चुका हूँ ग्रुप 15 एलिमेंट्स में। और यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के हेडिंग डालना, और कौन कौन से एग्जाम्पल मैंने बताए हैं उसको नोट्स में डाल लेना फटाक से सटाक से। 2020 में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आया था, मैच द फॉलोइंग, ठीक है, देख लेना पलट के अगर यकीन ना हो तो, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ बता दूंगा, यकीन मानो भाई कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। अब चलो देखते हैं ओजोन के बारे में। ओजोन जो होता है वो एलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन होता है, मतलब देखो जो ऑक्सीजन है ना वो O2 फॉर्म में पाया जाता है, तो इसका बस नंबर ऑफ एटम्स चेंज हो जाए अगर तो एलेक्ट्रोपिक फॉर्म हमारे पास मिल जाता है। तो ओजोन होता है उसका नंबर ऑफ एटम्स बस चेंज हो गया ऑक्सीजन का O3, तो ये एलेक्ट्रोपिक फॉर्म होता है ऑक्सीजन का। और मजे की बात क्या है कि एटमॉस्फेयर में अगर सी लेवल की बात करें तो ये ओजोन O3 बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, अगर एटमॉस्फेयर में ये रहा तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। और अगर मैं सी लेवल से 20 किलोमीटर ऊपर की बात करूं, 20 किलोमीटर की ऑक्सीजन ऊपर की बात करूं, तो होता क्या है कि हमारे पास जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसको मैं अगर सनलाइट दे देता हूं तो हमको क्या मिल जाता है, हमको मिल जाता है ओजोन, हमको हमें क्या मिलता है, ओजोन मिल जाता है। तो सी लेवल के 20 किलोमीटर ऊपर कैसे ओजोन हमको बनता है, जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होता है, ठीक है, उस पर सनलाइट पड़ता है तो हमारा क्या बन जाता है, ओजोन बन जाता है। और यही ओजोन हमको अल्ट्रावायलेट रे से बनाता बचाता है, ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का भी मैं बारे में आपको बता चुका हूँ, ठीक है, कि ओजोन कैसे हमको प्रोटेक्ट करता है। तो जो जो बता चुका हूँ मैं रिपीट नहीं करूंगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ हर एक वीडियो मेरा देखना है, तो देखो ये नहीं कि बस ग्रुप 15 देखेंगे, ग्रुप 16 देखेंगे, ना भाई, देखना है तो हर एक लेक्चर देखो। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, मैं पूरा इंटरलिंक करके पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलो करते हैं अब इसकी प्रिपरेशन, किसकी तैयारी करते हैं, ओजोन को बनाने की तैयारी करते हैं। अगर ओजोन को बनाने की तैयारी करे तो अभी मैंने बताया कि O2 पे अगर तुम यहाँ पे सनलाइट दे दो या फिर कोई भी एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज दे दो तो O3 बन जाता है। और ये जो O3 बनता है O2 पे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज देने पे, उस O3 को हम लोग बोलते हैं ओजोनाइड ऑक्सीजन। क्या हम लोग बोलते हैं, ओजोनाइड ऑक्सीजन। और ये जो ऑक्सीजन बनता है सॉरी ओजोन बनता है ओनली 10% ही प्योर होता है। और मजे की बात क्या है, जो ये रिएक्शन है डेलेट इसकी पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो हमको यहाँ से ये पता चला कि ऑक्सीजन से अगर हमको ओजोन बनाना है तो ये प्रोसेस हमारा इंडोथर्मिक होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, मतलब क्या कि अगर मैं इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज देके ऑक्सीजन पे ओजोन का फॉर्मेशन करूं तो वो कैसा रिएक्शन होता है, वो इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, मतलब वहां पे हीट ऑब्जर्व होती है भाई, इसलिए उसकी डेलेज पॉजिटिव होगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो जो प्योर ओजोन होता है, मतलब प्योर जो O3 होता है, तो वो पेल ब्लू गैस होता है, ये कलरलेस नहीं होता। इसका कलर कैसा होता है, पेल ब्लू गैस होता है। अगर वो लिक्विड फॉर्म में हो तो कैसा होता है, डार्क ब्लू लिक्विड होता है, डार्क ब्लू फॉर्म में होता है। और अगर वो सॉलिड फॉर्म में हो तो वॉयलेट ब्लैक सॉलिड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामिनेशन पूछा जा चुका है कि प्योर ओजोन लिक्विड फॉर्म में कौन से कलर का होता है, डार्क ब्लू, सॉलिड फॉर्म में कौन से कलर का होता है, वॉयलेट ब्लैक, और गैस फॉर्म में पेल ब्लू, ठीक है, पेल ब्लू। और मजे की बात क्या है कि ओजोन के पास स्मेल होता है, ये ऑर्डरलेस नहीं होता है, ठीक है ना। अच्छा, और स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन में अगर ओजोन हो हमारे एटमोस्फियर में तो ये हार्म नहीं करता है, लेकिन जैसे ही इसका कॉन्सेंट्रेशन एटमोस्फियर में 100 parts per million से ज्यादा हो गया ना भाई, तो दिक्कत हो जाएगा आपको सांस लेने में, और सांस लेने में दिक्कत हो गया ना भाई तो आपको हेडेक हो सकता है, सरदर्द, और आपको नौजिया हो सकता है। तो ये पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जामिनेशन में कि एटमोस्फियर में कितने कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा हमारा अगर ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन हो गया तो हमको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है।
तो 100 पार्ट्स पर मिलियन से ज्यादा का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो हो सकती है। और मजे की बात क्या करे कि जो ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन से कॉम्पेरिजन करें, तो ऑक्सीजन के कॉम्पेरिजन में जो ओजोन होता है वो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है भाई, अनस्टेबल होता है भाई। क्यों? क्योंकि हमारा जो ओजोन होता है अगर आप उसको ऑक्सीजन में तोड़ना चाहते हो तो इसकी जो डेलेस की वैल्यू होती है वो निगेटिव होती है, वो एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो हीट बहुत ज्यादा निकलता है इसमें से, इसलिए ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है कन्वर्जन ऑफ O3 इंटू O2। और इस रिएक्शन के लिए हमारा जो डेलेस की वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है और डेल जी की वैल्यू होती है वो निगेटिव होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अलग एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि कन्वर्जन ऑफ ओजोन इंटू ऑक्सीजन हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो ऑप्शन में रहेगा डेलेस निगेटिव, डेलेस पॉजिटिव, डेल जी निगेटिव, तो ऑल ऑफ दीज रहेगा, तो ऑल ऑफ दीज में फटाक से और सटाक से टिक मार देना भाई, टिक मार देना भाई। इसीलिए यहाँ पे होता क्या है कि कन्वर्जन ऑफ ओजोन इंटू ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन इन एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ जो हीट निकलती है वो बहुत ज्यादा निकलती है, तो ओजोन को कन्वर्ट करना ऑक्सीजन में बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली भी बात हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे डेलेस निगेटिव है और बहुत ज्यादा हीट निकल रहा है भाई, तो फटाक से और सटाक से बूम भी हो सकता है, मतलब कि एक्सप्लोजन भी हो सकता है। और जो हमारा O3 होता है वो आसानी से नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो रिलीज कर सकता है। नेसेंट ऑक्सीजन मतलब क्या, सिंगल ऑटम ऑफ ऑक्सीजन रिलीज कर सकता है, और इसीलिए जो सिंगल ऑक्सीजन रिलीज कर सकता है वो एक बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। तो अगर वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है तो हमको ये प्रॉपर्टी याद रखना है कि जो O3 होता है वो एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसके प्रॉपर्टीज पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, वो रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं था जो यहाँ पे आपने देखा, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही मैंने स्लाइड्स में इसको डाल दिया है। अब मैं अगर बात करूं नाइट्रोजन ऑक्साइड की, सॉरी नाइट्रोजन ऑक्साइड बोला, नाइट्रिक ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं, दैट इज NO, तो वो बहुत ही फास्ट रिएक्ट करता है O3 के साथ एंड NO2 एंड O2 बना देता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो होता क्या है ना भाई कि हमारे जो जेट एरोप्लेन्स होते हैं जो कि उड़ते हैं एटमॉस्फेयर में, उसमें से एनो गैस निकलता है, वो जो एनो गैस है वो रिएक्ट कर जाता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। तो होता क्या है कि स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर होता है उसके साथ एनो रिएक्ट कर जाता है, एनो कहां से आता है, जेट एरोप्लेन से, और हमको क्या बना देता है, NO2 एंड O2 बना देता है। तो अब यहाँ पे देखो कि ओजोन लेयर टूट रहा है क्योंकि ओजोन लेयर O3 से बनता है, तो ओजोन लेयर टूटेगा तो हमारे लिए हार्मफुल होगा भाई, क्यों, क्योंकि ओजोन लेयर हमको यूवी रोज से प्रोटेक्ट करता है। और मजे की बात क्या है कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट्स है, फ्रियोन जैसे हो गया, और फ्रियोन जो हमारा जो CFCs हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गया, वो जो एटमोस्फियर में निकलते हैं तो वो भी ओजोन लेयर को तोड़ते हैं, तो वो हार्मफुल है किसके लिए, ओजोन के लिए, क्योंकि अगर ओजोन लेयर टूटा भाई तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और स्किन डिजीजेस बढ़ेंगे। तो समझ में आया बच्चों आपको ये। और O3 जो होता है वो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, देखो ये रेजोनेंस फॉर्म में पाया जाता है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और आप देख सकते हो कि इसका शेप कैसा है, एंगुलर शेप है, एंगुलर शेप को हम लोग और क्या बोलते हैं, बेंट शेप बोलते हैं। तो ये पूछा जाता है कि बताओ भाई कि ओजोन का शेप कैसा होता है, तो एंगुलर होता है, मतलब कि बेंट शेप का होता है, और ये जो एंगल होता है वो कितना होता है, 117 डिग्री होता है, आपको याद रखने की जरूरत है। और ये जो दोनों बॉन्ड लेंथ होता है वो रेजोनेंस की वजह से हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, और इसका लेंथ कितना होता है, 128 PM, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों बॉन्ड लेंथ है ओजोन में वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसका शेप कैसा होता है, एंगुलर होता है, और एंगल कितना होता है इन दोनों के बीच में, 117 डिग्री होता है। समझ में आया बच्चों। चलो अब हम लोग देखते हैं सल्फर के इलेक्ट्रॉप्स के बारे में। सल्फर के इलेक्ट्रॉप से बहुत बार क्वेश्चन बनता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो सल्फर होता है वो बहुत ही इलेक्ट्रोपिक फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे दो फॉर्म में पढ़ना है, एक रोम्बिक सल्फर और एक पढ़ना है आपको मोनोक्लिनिक सल्फर। मोरम्बिक सल्फर को हम लोग अल्फा सल्फर भी बोलते हैं, और हम लोग मोनोक्लिनिक सल्फर को बीटा सल्फर भी बोलते हैं, बीटा सल्फर भी बोलते हैं। रूम टेम्परेचर पे सर इन दोनों में से कौन सा सल्फर स्टेबल होता है, तो रोम्बिक सल्फर स्टेबल होता है। बहुत बार अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि बताओ भाई
कौन सा फॉर्म द स्टेबल फॉर्म एट रूम टेम्परेचर इज रोम्बिक सल्फर, कौन सा सल्फर का फॉर्म रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, तो वो होता है रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर। और इस रोम्बिक सल्फर को अगर मैं 369 केल्विन के ऊपर हीट मार दू ना भाई, तो वो मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो अगर रोम्बिक सल्फर को कन्वर्ट करना है मोनोक्लिनिक सल्फर में, तो आपको 369 केल्विन से ऊपर ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। चलो तो हम लोग पढ़ते हैं बारी बारी, ठीक है। पहले पढ़ते हैं हम लोग रोम्बिक सल्फर के बारे में। रोम्बिक सल्फर किसको बोलते हैं, अल्फा सल्फर को ही बोलते हैं। इस रोम्बिक सल्फर की बात करूं तो इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है येल्लो इन कलर, येल्लो इन कलर। और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 2.06, आपको याद रखने की, ठीक है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। और ये वाटर में तो इनसॉल्युबल होता है, लेकिन बेंजीन अल्कोहल एंड इथर में वो रेडली सोलबल होता है, मतलब कुछ एक्सटेंट में सोलबल होता है, पूरी तरह सोलबल नहीं होता। लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में, CH2 को क्या बोलते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड में ये रेडली सोलबल होता है, मतलब अच्छे तरीके से सोलबल होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है कि रोम्बिक सल्फर येल्लो कलर में होता है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.06 होती है, बेंजीन अल्कोहल एंड इथर में वो पार्शियली सोलबल होता है, लेकिन रेडली सोलबल मतलब पूरी तरह से सोलबल होता है कार्बन डाइसल्फाइड में, दैट इज CH2 में, और वाटर में वो कम्प्लीटली इनसोलबल होता है। ये प्रॉपर्टीज 1, 2, 3, 4 करके लिख लो रोम्बिक सल्फर में, जितने ही प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है सब कुछ बता दूंगा भाई, ठीक है। इतना ही प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट था रोम्बिक सल्फर के बारे में। अब अगर मैं मोनोक्लिनिक सल्फर की बात करूं, तो देखो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.98 है। इसका मतलब क्या कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी रोम्बिक सल्फर से कम होती, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी कितनी थी, 2.06 थी, ठीक है। तुम्हारा रोम्बिक सल्फर भी CH2 में सोलबल होता है और मोनोक्लिनिक सल्फर भी CH2 दैट इज कार्बन डाइसल्फाइड में सोलबल होता है, ठीक है, समझ में आया। अच्छा अब मैं बात करूं मोनोक्लिनिक सल्फर की, तो मैंने बताया था कि रोम्बिक सल्फर को 369 केल्विन से ऊपर हीट करेंगे तभी मोनोक्लिनिक सल्फर बनेगा, इसलिए मोनोक्लिनिक सल्फर इज स्टेबल अबव 369 केल्विन, ठीक है। और 369 केल्विन से अगर नीचे टेम्परेचर रख दोगे तो मोनोक्लिनिक सल्फर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्या एग्जिस्ट करेगा फिर, वो अल्फा सल्फर एग्जिस्ट करेगा, मतलब क्या, मतलब तुम्हारा रोम्बिक सल्फर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। मजे की बात ये है, तो अल्फा सल्फर को स्टेबल होने के लिए 369 केल्विन से आपको नीचे रखना पड़ेगा। जैसे ही आप 369 केल्विन से ऊपर ले जाओगे तो आपको बीटा सल्फर मिल जाएगा, बीटा सल्फर मतलब क्या, मोनोक्लिनिक सल्फर मिल जाएगा। और सर 369 केल्विन से नीचे स्टेबल होगा रोम्बिक सल्फर, 369 केल्विन से ऊपर होगा सर मोनोक्लिनिक सल्फर, सर 369 केल्विन पे क्या होगा, सर 369 केल्विन पे दोनों फॉर्म स्टेबल होते हैं, दैट इज रोम्बिक सल्फर भी और मोनोक्लिनिक सल्फर भी। और जो जिस टेम्परेचर पे दोनों स्टेबल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट। और इस ट्रांजिशन टेम्परेचर की आपको वैल्यू भी याद रखनी है एट 369 केल्विन, बहुत बार पूछा जा चुका है। ट्रिपल स्टार मान लो कि बताओ कौन सा टेम्परेचर है जिसमें कि मोनोक्लिनिक सल्फर एंड रोम्बिक सल्फर दोनों एग्जिस्ट करता है और स्टेबल होता है, तो वो कौन सा टेम्परेचर है, 369 केल्विन, ठीक है। और रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर दोनों S2 एसेट मॉलिक्यूल्स फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, एसेट मॉलिक्यूल्स फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और मजे की बात क्या है कि इनका शेप कैसा होता है, क्राउन शेप में होता है। देखो यहाँ पे क्राउन शेप एसेट, ये तुम्हारा रोम्बिक सल्फर या फिर मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर एंड क्या बोलते हैं इसको, रोम्बिक सल्फर, ठीक है ना। मोनोक्लिनिक सल्फर या रोम्बिक सल्फर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्राउन शेप होता है। देखो यहाँ पे ताज की तरह दिख रहा है, देखो ऐसे पहन सकते हो, इसको आप उल्टा करो, देखो इसको आप ऐसे उल्टा करो, ऐसे पहन सकते हो ना, क्राउन की तरह दिख रहा है ना भाई, क्राउन मतलब कि तुम्हारा क्या हुआ, मुकुट, मुकुट की तरह दिख रहा है ये तुम्हारा, तो मुकुट की तरह शेप होता है एसेट का, दैट इज मोनोक्लिनिक सल्फर का या फिर रोम्बिक सल्फर का, ठीक है। और ये पकड़ होता है, पकड़ मतलब क्या होता है, पकड़ मतलब क्या होता है, ये जो शेप होता है ना, जिस तरीके का दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं पकड़ फॉर्म, क्या बोलते हैं, पकड़ फॉर्म। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो एंगल होता है तुम्हारा SSS एंगल होता है एसेट फॉर्म में, वो होता है 107 डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बॉन्ड लेंथ याद नहीं रखना, लेकिन ये एंगल आपको याद रखने की जरूरत है कि 107 डिग्री होता है, मतलब कि एसेट फॉर्म में रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर तुम्हारा क्या होता है, क्राउन शेप का होता है, और SSS एंगल कितना है, 107 डिग्री होता है। अब अगर मैं सल्फर की बात करूं तो S6 फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, और S6 फॉर्म में
वो कुछ इस तरीके का दिखता है, और S6 फॉर्म में जो SSS एंगल होता है वो 102.2 डिग्री होता है, मतलब कि S8 फॉर्म में जो SSS एंगल होता है और SSS एंगल जो होता है S6 फॉर्म में ज्यादा किस में होता है, S8 में होता है, S8 में होता है, ठीक है, ये नोट करने वाला पॉइंट था। और S8 का शेप कैसा होता है, क्राउन शेप होता है भाई, क्या होता है, क्राउन शेप होता है भाई। और यहाँ पे तुम देख सकते हो S6 जो है वो बोट शेप का है, कैसा है ये तुम्हारा, देखो बोट शेप का है, इस पॉइंट को भी नोट में डाल लेना। देखो मैं बोल नहीं रहा हूं लेकिन सॉरी लिख नहीं रहा हूं लेकिन बोल बहुत खुश रहा हूं, तो जो जो बोल रहा हूँ सब कुछ नोट्स में डाल लिया करो, ठीक है। अच्छा, और इस फॉर्म को हम लोग चेयर फॉर्म भी बोलते हैं, इन साइक्लो S6 फॉर्म द रिंग अडॉप्ट द चेयर फॉर्म एंड द मॉलिक्यूलर डायमेंशन आर शोन इन द फिगर। देखो आप यहाँ पे देखो ये चेयर की तरह आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर, ये देखो चेयर की तरह, चेयर का ऊपर वाला पार्ट होता है ना, देखो आप यहाँ पे आराम से बैठ जाओ, यहाँ पे अपना पैर लटका के बैठ जाओ, देखो आपको ये चेयर फॉर्म में दिख रहा है। तो सर आपने अभी बोट फॉर्म में बताया, कुछ कुछ बुक्स में इसको बोट फॉर्म भी बोल देते हैं, ठीक है, कुछ कुछ बुक्स में बोट फॉर्म में भी बोल देते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में ज्यादा करेक्ट दिया हुआ है, मैं यही बोलूंगा। तो S6 फॉर्म में ये कैसे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये तुम्हारा चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और डायमेंशन ऑलरेडी यहाँ पे दिए हुए हैं। और S8 फॉर्म में ये क्राउन शेप का होता है, तो S8 फॉर्म में ये क्राउन शेप का होता है, S6 फॉर्म में ये चेयर फॉर्म का होता है, SSS एंगल मैंने ऑलरेडी बता ही दिया। और अगर हायर टेम्परेचर की बात करें, ठीक है, बहुत ही हायर टेम्परेचर की बात करें, मतलब कि लगभग 1000 केल्विन, सोचो कितना भयंकर, कितना ज्यादा टेम्परेचर है ये, तो जो डोमिनेंट स्पीसीज होता है वो S2 होता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एट एलिवेटेड टेम्परेचर, मतलब लगभग 1000 केल्विन पे, बताओ कौन सा स्पीसीज सल्फर का डोमिनेंट स्पीसीज होता है, S2, S8 की S6, तो आप क्या टिक मारोगे, S2 डाई सल्फर, क्या डाई सल्फर, ठीक है। और मजे की बात क्या कि जो सल्फर होता है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब फिर से यहाँ पे मैं आपको ये बोलूंगा, केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा चुका हूं मैं, तो S2 का यहाँ पे आप मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, और आप ये देखोगे कि उसके जो पाई एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल्स हैं उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। तो इस पॉइंट को नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो S2 होता है वो O2 की तरह पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, और एलिवेटेड टेम्परेचर पे S2 डोमिनेंट स्पीसीज होता है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलो बढ़ते हैं अब आगे, तो अब हम लोग देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में, दैट इज SO2 के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले देखते हैं कि SO2 बनाया कैसे जाता है, ठीक है। अगर हम लोग सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दे तो हमको SO2 मिलता है, प्लस बहुत ही कम मात्रा में 6-8% हमको SO3 भी मिलता है, मतलब हमको प्योर SO2 नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है कि जब SOS को, मतलब सल्फर को ऑक्सीजन के साथ ये कराओगे तो क्या बनेगा, तो SO2 बनेगा और साथ ही साथ कुछ ना कुछ सल्फर ट्राईऑक्साइड दैट इज SO3 भी बनता है। अगर लेबोरेटरी में प्रिपरेशन की बात करें तो होता क्या कि हम लोग सल्फाइट आयन लेते हैं, देखो सल्फाइट आयन लेते हैं और हम लोग एक एसिड ले लेते हैं, जैसे मान लो H2SO4 ले ली, यहाँ से H+ आयन आएगा, इसके साथ रिएक्ट करता है और फिर बना देता है हमारे पास SO2। ये पूछा जाता है कि लेबोरेटरी प्रिपरेशन इसमें से कौन सा है, तो सल्फाइड को हम लोग किसी एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमको SO2 मिल जाता है। और इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या करते हैं कि रोस्टिंग और सल्फाइड ओर, मतलब कोई भी अगर हम लोग सल्फाइड ओर ले ले, फॉर एग्जाम्पल Fe2, और उसका रोस्टिंग करवा दे, रोस्टिंग का मतलब क्या होता है सर, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन मैंने करवा दिया तो हमको मिल जाता है SO2। ये पूरा रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सल्फाइड ओर का जब हम लोग रोस्टिंग करवाते हैं तो हमको SO2 मिलता है, उसके साथ साथ क्या मिलता है, Fe2O3 मिलता है, अगर हम लोग Fe2 सल्फाइड ओर लेंगे तो, ठीक है, आया समझ में बच्चों। बढ़ते हैं आगे, और अगर मैं इसके प्रॉपर्टीज की बात करूं तो ये हमारा कलरलेस गैस होता है, मतलब कि इसका कोई कलर नहीं होता, हमको ये दिखेगा नहीं, लेकिन इसका स्मेल पंजेंट होता है। स्मेल कैसा होता है, इसका पंजेंट स्मेल होता है, और ये बहुत ज्यादा सोलबुल होता है वाटर में, मतलब वाटर इसमें डाल दोगे ना भाई वाटर में SO2, तो फटाक से और सटाक से घुल जाता है। तो SO2 H2O के साथ ये करके क्या बनाता है, H2SO3 बनाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि अगर SO2 H2O के साथ बहुत ज्यादा सोलबुल होता है तो वो बनाता का है भाई, तो वो बनाता है H2SO3, और इसका स्पेशल नाम है क्या, सल्फरस एसिड। क्या नाम है इसका,
सल्फरस एसिड, क्या नाम है इसका? सल्फरस एसिड। अच्छा ठीक है, अगर हम इसी ओसो टू को रिएक्ट करवा दे NaOH के साथ, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये सबसे पहले Na2SO3 बनाता है, दैट इज सोडियम सल्फाइड ये बनाता है। क्या बनाता है? पहले ये सोडियम सल्फाइड बनाता है, और अगेन ये जो Na2SO3 बनता है, तो तुम्हारे पास जो सॉल्यूशन में SO2 और H2 है उसके साथ दोबारा ये रिएक्ट करके क्या बना देता है? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बना देता है। तो ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, कि जब एसओ टू रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इनिशियली क्या बनता है? सोडियम सल्फाइड। फाइनली क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। होप कि आपने उसमें डाल ली होगी। अब सर की जो सर के वो धीरे धीरे पागल हुआ मैं तेरे लिए। किसके लिए भाई? ओजोन क्लासेस के लिए, ठीक है, केमिस्ट्री के लिए, निट के लिए। चलो बढ़ते हैं आगे। और मैं अगर बात करूं सल्फर डाइऑक्साइड के रिएक्शन के लिए, तो SO2 का रिएक्शन Cl2 एंड VO2 के साथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है? SO2Cl2, और इसको हम लोग बोलते हैं सल्फराइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सल्फराइल क्लोराइड। उसमें जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो होता है चारकोल। क्या होता है? चारकोल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये, सॉरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये रिएक्शन दे देगा और बोलेगा SO2Cl2 गिव्स, क्या देगा तुम्हारा? X देगा। तो X क्या है? सल्फराइल क्लोराइड, दैट इज SO2Cl2। और यहाँ Y दे देगा, बताओ ये कौन सा कैटलिस्ट है? तो चारकोल कैटलिस्ट है। और अगर मैं इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दू, तो अभी अभी मैंने बताया ऑक्सीजन के रिएक्शन में कि B2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का हमारा क्या पड़ता है? जरूरत पड़ता है कैटलिस्ट का, और हमें क्या मिल जाता है? SO3 मिल जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीजन के साथ मिलके ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। और मजे की बात क्या है, जब SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड जब भींगा होता है पानी के साथ, तो वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। और अगर इसकी शेप की बात करें, तो इसका शेप एंगुलर होता है। एंगुलर बोलो या फिर बेंट शेप बोलो, दोनों का मतलब सेम है। और अगेन इसका SO2 का दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां मैंने बनाना नहीं सिखाऊंगा आपको, आप खुद देखो SO2 का स्ट्रक्चर बना के, और आपको याद होना चाहिए। अगर मैं फटाक से बोलूं कि बताओ SO2 का स्ट्रक्चर, तो आपको तुरंत ऐसे बनाने आना। ये SO2 का कैसा होता है? एंगुलर होता है। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन, द शेप ऑफ SO2 इज, तो फटाक से और सटाक से एंगुलर टिक मार देना। एंगुलर नहीं होगा, बेंट शेप होगा, तो बेंट शेप में टिक मार, ठीक है। पूरे स्लाइड में बस इतना इंपॉर्टेंट था। देखो ये सब बकायती मारने के लिए है, नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जेई मेंस के बच्चे होते, जेई एडवांस के बच्चे होते, तो जरूर पढ़ाता इंपॉर्टेंट होता, नेट पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं ऑक्जो एसिड्स ऑफ सल्फर के बारे में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 5 बार स्टार मार लो, पता नहीं कितने बार रिपीट हुआ है इससे क्वेश्चन और कितने बार आने वाला है इससे क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको स्पेशल नाम याद होना चाहिए सबका, कि H2SO3 का नाम होता है सल्फरस एसिड, H2SO4 का होता है सल्फ्यूरिक एसिड, H2S2O8 का होता है पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, और H2S2O7 का होता है पाइरोसल्फ्यूरिक एसिड। और एक और स्पेशल नाम है, क्या है? ओलियम। क्या नाम है इसका? ओलियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ओलियम का फॉर्मूला क्या है, तो H2S2O7। पूछा जाता है कि H2S2O7 का नाम क्या है, तो पाइरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो एक बार ये नाम याद कर ले, उसके बाद आपको ये चारों स्ट्रक्चर मुंह पे याद होने चाहिए। आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा सुनो, आपसे पूछा जाएगा कि पेरोक्साइड लिंकेज किसमें प्रेजेंट होता है। पेरोक्साइड लिंकेज किसको बोलते हैं? ओ सिंगल बॉन्ड ओ को। तो आप इन चारों स्ट्रक्चर में देखो, क्या ओ सिंगल बॉन्ड ओ इसमें है क्या? नहीं है। इसमें है क्या? नहीं है। इसमें है क्या? नहीं है। इसमें SOS बॉन्ड है, ठीक है। तो क्या चाहिए? ओ सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड, तो पेरोक्साइड लिंकेज होगा। इसमें है ये देखो, तो तुम्हारा H2S2O8 में पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये कितने बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, पता नहीं और कितने बार रिपीट होगा, कि बताओ किसमें इसमें पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है। तो H2S2O8 फटाक से सटाक से टिक मार देना भाई। और इसको क्या बोलते हैं? पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड में कितने SOH बॉन्ड्स होते हैं। तो आपको भाई अगर ये डायग्राम हुआ आएगा, शेप पता रहेगा, तभी ना बताओगे। तो यहाँ पे कितने SOH बॉन्ड? दो है यहाँ पे,
ठीक है, आपसे ये पूछ सकता है कि बताओ इसमें से SOS बॉन्ड किसमें प्रेजेंट है, तो SOS बॉन्ड किसमें प्रेजेंट है, बस H2S2O7 में, और H2S2O8 का एक स्पेशल नाम भी है, इसको हम लोग बोलते हैं मार्शल्स एसिड। क्या इसको हम लोग बोलते हैं? मार्शल्स एसिड, स्पेशल नेम, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बता दिया कि H2S2O8 का स्पेशल नेम होता है मार्शल्स एसिड। और एक और स्ट्रक्चर है हमारे पास, एक और स्ट्रक्चर है हमारे पास जो कि एनसीईआरटी में दिया नहीं है, H2SO5 का। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखो S डबल बॉन्ड O OH O और यहाँ पे OH, ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर। इस H2SO5 को हम लोग स्पेशल नेम से भी जानते हैं, कैरोज एसिड। क्या बोलते हैं? कैरोज एसिड। और इसका नाम होता है तुम्हारा पेरोक्सो मोनो सल्फ्रिक एसिड, पेरोक्सो मोनो सल्फ्रिक एसिड, ठीक है। तो H2SO5 का स्पेशल नेम क्या है? कैरोज एसिड। इसका नाम क्या है? पेरोक्सो मोनो सल्फ्रिक एसिड। क्या सर इसमें पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है? हाँ बिल्कुल प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है, ठीक है। तो H2SO5 में और H2S2O8 में, इन दोनों में ही तुम्हारा पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होता है, और जहां भी पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होता है वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते समय भी सावधान हो जाना। अरे सर आप तो रिडॉक्स रिएक्शन में कितने प्यार मोहब्बत और प्रेम से ये चीज बता चुके हो कि जब भी पेरोक्साइड लिंकेज आ गया ना सर, तो वहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर मुंह पे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, और अब मैं देखूंगा सल्फ्रिक एसिड के प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन के बारे में। इसके प्रिपरेशन की बात करूं तो ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, और इसमें मेनली 3 स्टेप्स होते हैं, और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपको उतना ही याद रखना है। अभी तक आपने क्या याद किया? हैबर्स प्रोसेस किसके लिए यूज करते हैं? NH3 के प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं। ऑस्टवाल्ड प्रोसेस किसके लिए यूज करते हैं? नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं, दैट इज HNO3। और कॉन्टैक्ट प्रोसेस H2SO4 के प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं। इसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है उसमें क्या होता है कि हम लोग सल्फाइड ओर्स को या फिर सल्फर को बर्न करते हैं O2 में, तो हमको मिल जाता है SO2। ये होता है हमारा सबसे पहला स्टेप। फिर हम क्या करते हैं कि SO2 को रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, और हमको मिल जाता है SO3। और इस रिएक्शन को करने के लिए हमें एक कैटलिस्ट की जरूरत होती है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, B2O5। और फिर हम लोग क्या करते हैं भाई, फिर हम लोग क्या करते हैं, इस SO3 को हम लोग H2SO4 के साथ एब्जॉर्ब करवा देते हैं, तो हमको H2S2O7 मिल जाता है, दैट इज ओलियम मिल जाता है। और फिर इस ओलियम को हम लोग क्या कर देते हैं, डाइल्यूशन कर देते हैं, इसका मतलब कि H2O के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, और हमको मिल जाता है H2SO4। तो फाइनली हमको मिलता है H2SO4। तो ये तीनों स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट प्रोसेस का है, आप इसको नोट कर लो। देखो ये तीनों पहले लिखना, ये तीनों पॉइंट, और इसी तीनों पॉइंट का रिएक्शन के फॉर्म में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आप इसको लिख लो। तो क्या कॉन्टेक्ट प्रोसेस में ओलियम बनता है? हाँ ओलियम बनता है। कितने मेनली 3 प्रोसेस होते हैं? मेनली 3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले SO2 बनाते हैं, फिर SO3 बनाते हैं, फिर SO3 का ऑब्जर्वेशन करते हैं H2SO4 में, तो हमको ओलियम मिलता है। फिर ओलियम का डाइल्यूशन करते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है? H2SO4 मिल जाता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, जो कि बहुत मुश्किल होता है करवाना, वो होता है सेकेंड स्टेप, दैट इज SO3 का फॉर्मेशन। एक्चुअली ये होता क्या है कि SO3 जो होता है ना, वो बनने के लिए SO2 और O2 से ये इक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और जब ये रिएक्शन होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। तो आप ले चाटले प्रिंसिपल लगाओगे ना, जो कि मैं केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको समझाया था, आप अगर अब देखे होगे, तो इसके लिए जो फेवरेबल कंडीशंस होगी मैक्सिमम यील्ड ऑफ SO3 के लिए, वो होगी तुम्हारी लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना कि अगर तुमको बहुत ही ज्यादा मात्रा में SO3 चाहिए, इवेंचुअली सबसे ज्यादा मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, तो तुमको कॉन्टेक्ट प्रोसेस में लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर का रखना बहुत जरूरी है। और जो हमको कॉन्टेक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है, वो 96-98% ही प्योर होता है, नॉट 100%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिख लिया। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कॉन्टेक्ट प्रोसेस से क्या बनाते, H2SO4 बनाते, ऑस्टवाल्ड से क्या बनाते थे, HNO3 नाइट्रिक एसिड, और हैबर्स से हैबर प्रोसेस से NH3 बना देते। और जो कॉन्टेक्ट प्रोसेस से हमको मिलता है सल्फ्यूरिक एसिड, वो क्या होता है, 96-98% प्योर होता है। बस इतना ही आपको यहाँ पे याद रखना है। चलो अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं।
अब फिर से ये भी कलरलेस होता है, मतलब कि इसका कोई भी कलर नहीं होता है, लेकिन ये एक ऑयली लिक्विड होता है, मतलब उसको आप हाथ में लोगे ना तो आपको ऑयल जैसा फील होगा, लेकिन लेना भाई भाई बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हाथ जल भी सकता है आपका, ठीक है। और मजे की बात क्या है कि अगर ये H2SO4 डिजोल्व करता है H2O में, मतलब कि वाटर में, वो जो रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, मतलब कि आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है प्रॉपर्टीज में कि जब H2SO4 क्या वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है? नहीं, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। वो क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, ये बहुत ही कम वोलाटाइल होता है भाई, बहुत ही कम वोलाटाइल होता है, सो इट हैज लो वोलेटिलिटी, और इसकी एसिडिक कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा होती है, मतलब ये बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है, ये तो मैं बता ही चुका हूं, और बहुत ही प्यार होता है इसको वाटर से, सो इट हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, मतलब कि इसको वाटर में डालोगे तो वो प्यार और मोहब्बत तो प्रेम से तुरंत घुल जाता है भाई। H2SO4 को H2O में डालोगे तो उससे प्यार होता है, उसको तुरंत घुल जाता है, ठीक है, उसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं होती। और तो और जो H2SO4 होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज अपने नोट्स में डाल लो, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आता है, अभी प्रॉपर्टीज है तो इसमें क्या एक्सप्लेन, ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। और अब हम लोग इसमें देखते हैं कि हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करके क्या क्या बना सकता है। तो इस पूरे स्लाइड में अगर मैं बात करूं आपको तो एक ही चीज समझने वाली है और एक ही चीज याद रखने वाली है कि जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास होता है वो एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि H2O को वो रिमूव कर पाए, क्या कर पाए, H2O को रिमूव कर पाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक कंपाउंड लू C12H22O11 और मैं इसको H2SO4 के प्रेजेंस में हीट कर दूं, तो सर आपने अभी बताया कि H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर सकता है, तो यहाँ पे हमारा जितना भी वाटर मॉलिक्यूल्स है ये सब यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, C12H2O11 ये लिख सकते हो, 11-2 22 हो गया और ऑक्सीजन 11 हो गया, तो जितना भी H2O है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारे पास क्या बचेगा, बस कार्बन बचेगा, तो इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और मजे की बात क्या है कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो सर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता दो, कुछ रिएक्शन बता दो, बिल्कुल बताता हूं। कॉपर हो, चाहे सल्फर हो, चाहे कार्बन हो, अगर तुम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दिए तो वो सारे रिड्यूस हो जाते हैं किसमें, SO2 में, किसमें हो जाते हैं, SO2 में, मतलब कि कौन सा गैस रिलीज होता है, SO2 गैस रिलीज होता है, SO2 गैस रिलीज होता है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि कॉपर सल्फर और कार्बन के साथ रिएक्ट करवाया गया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को, तो बताओ भाई कि कौन सा गैस रिलीज होगा, तो SO2 रिलीज होगा, बस इतना ही आपको याद रखना है। होप कि आप नोट्स में डाल लिए होंगे। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हुआ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। यकीन मानो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरे नोट्स आप बना लिए, मैं जो जो बोला हूं एक एक चीज लिख लिए हो, क्योंकि मेरे लेक्चर से एक भी पॉइंट स्केप किए तो घाटा आपका होगा, कुछ भी स्केप करने लायक नहीं होता। तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 100% प्रिपरेशन होगा, इसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है, अरे सर हमको तो पता है सर, पुशअप सीरीज देखना है, उसके बाद क्या करना है, अरे उसके बाद PYQ बनाया है, नहीं अभी PYQ नहीं बनाना है, ग्रुप 17 पढ़ा लूंगा, ग्रुप 18 पढ़ा लूंगा, उसके बाद PYQ बनाना, फिर देखना सब धुआं धुआं कर दो, एकदम धुआं धुआं कर दो, ठीक है। तो अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लेक्चर को लाइक करो, ना पसंद आया हो तो डिसलाइक कर दो और बताओ क्यों नहीं पसंद आया, ताकि मैं इंप्रूव कर सकूं। अगर चैनल का कॉन्टेंट पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और प्यार मोहब्बत और प्रेम से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। और अभी तक सिग्मा स्टार बैच नहीं लिए हो तो आप चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि एकदम धमाकेदार पढ़ाई हो रही है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक अपने नोट्स बना लेना और उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, मिलते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स के पुशअप सीरीज में, ठीक है, टाटा बाय बाय।